jai Hind and welcome to 13th lecture of science series in 30 days capf crash course when nothing is going in your favor everything is against you just think of the thought why you started this and you'll find immense energy and you'll feel वेरी थॉट के साथ हम लेक्चर बेगिन करते हैं देखिए इस देखिए ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर के कॉन्टिन्यूशन में है इसमें हम बॉटनी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को, को कवर करेंगे जैसे कि प्लांट इश्यूज़ फोटोसिंथेसिस प्लांट हार्मोन्स प्लांट डिजीजेज इकोलॉजी हमने इन्वायरमेंट लेक्चर्स में देख लिया था तो इसमें देख लेंगे अगर कुछ पॉइंट बचा हुआ तो कवर कर लेंगे नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल एंड लास्ट इज पोल्यूशन तो हम आगे प्रोसीड करते हैं देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्लांट इशूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ऑरिजन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं देखिए प्लान टिश्यूज़ में मेरिसमेटिक और पर्मनेंट टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको बस पैरन काम है कॉलन कामा स्क्रन काइमा जो कि सिंपल पर्मेंट टिश्यूज़ है एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स पर्मोनेंट टीशू दैट इज डाइलम एंड फाइलम तो बाकी आप स्किप uh, कर सकते हैं दैट इज नॉट दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट तो पर्मोनेंट टिश्यूज टू टाइप के हैं सबसे पहले सबसे पहला सिंपल पॉमोनेंट टिश्यूज सिंपल पॉमोनेंट टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड दैट्स दट्स इट इज कॉल्ड दी सिंपल टिश्यूज टाइप्स थ्री मेन टाइप्स है दैट इज पैरनकाइमा कॉलनकाइमा एंड कलेरनकाइमा कामा टिश्यूज आर थिन वॉल्ड एंड अन दे आर यूज फॉर मल्टीपल पर्पज इन प्लांट इतना आप ध्यान रखें दीज सेल्स आर फोटोसिंथेटिक दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी कवरिंग ऑफ रूट्स एंड स्टेम नेक्स्ट इज कॉलनकाइमा Collenchyma cells are elongated. They have thick cell walls. The uh, parenchyma mein thin. Tha and here they are having thick cell wall. They provide flexibility to the stem. Very important point. Next is sclerenchyma. See, sclerenchyma is again having the thick cell wall and they become inflexible, providing mechanical strength to the plant. Next is complex permanent tissue. सी कॉम्प्लेक्स पॉमोनेट टिश्यूज आर टू मेन टाइप्स दट इजलम एंड फाइलम वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जयलम एंड फाइलम सही आएगा तो आप इसको बहुत अटेंटिव होकर सुनेगा फर्स्ट इज जयलम सी जायम इज ए कंडक्टिव टिशू एंड इट इज फाउंड इन दी वस्कुलर प्लांट्स एंड इट इज मेडअ्रैकियाड्स वेजर्स जयलम पैर सेल्स एंड जयलम फाइबर्स फंशन इंपॉर्टेंट है जयलम का आप ध्यान रखेंगे कि इट इज हेट हेल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड मेकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट जयलम इज वुड इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल रॉ मेटीरियल्स and uh, first form primary xylem elements are called proto xylem very important point again is metazylem, that is the second second form primary xylem elements and the next is end arc see in stem proto xylem lies towards the center and metazylem lies nice towards the periphery and this type of arrangement is called the end-arc protozylum center mein hota hai and metazylum towards the periphery then this type of arrangement is end-arc next is phylum see phylum is a living conducting tissue and it is made up of sieve elements companion cell parenchyma cells and phylum fiber Main function very important from the exam view so conduct soluble organic compound from leaves to the different parts of plant and this process of uh, this kind of transport is called the translocation very important Khyber questions exam file is the innermost layer of the bark companion cell of phylums are unique to angiosperm and transpiration see transpiration process is a process of loss of water from the parts aerial parts of the plant in the form of water vapor. एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉटन फाइबर जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यलोज नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस देखिए फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है फूड को लाइक लाइक ग्लूकोज एंड दे डू इट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया था लास्ट लास्ट के लेक्चर में काफी अच्छे से क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट हमने पढ़ लिया था काफ़ी अच्छे से यही क्वेश्चन आप याद रखेंगे डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एक्स एक्स वाई करके एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो आप एकदम बाई हार्ट याद करेंगे सिक्स जीरो टू प्लस ट्वेल्व एस टू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन Next is carbon dioxide water chlorophyll and sunlight are necessary for photosynthesis the green color of the plant is due to the presence of chlorophyll and chlorophyll are the photoreceptor molecule photosynthesis convert light energy into chemical energy see next important point is chlorophyll absorbs violet blue and red colors of light its rate of photosynthesis is maximum in red light and minimum in violet light violet light green is least effective in green color green light is least effective in photosynthesis there are two stages of photosynthesis. First is chemical photochemical reaction or light reaction, next is dark chemical reaction. First first stage me, photochemical reaction. Kya hota hai? It is completed in the grana of uh, chlorophyll and it is also called the Hill reaction. In this breakdown of water takes place, releasing hydrogen, ion, and electron, and at the end of this process, ATP. ATP is converted is formed from ADB and phosphate. Next is dark chemical reaction. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल देखिए आप ये याद रखेंगे ग्राना एंड स्ट्रोमा ग्राना में फर्स्ट स्टेज होता है एंड सेकंड स्टेज इज डार्क केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल इन दिस रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड सुगर स्टार्च आर फॉर्म इट इज ऑल्सो नोन एज कैलबिन बन साइकिल देखिए एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि कैलबिन बेंसन साइकिल इज एसोसिएड विद वॉट तो आप उस उसमें फोटोसिंथेसिस चेक करेंगे अगर और डीप में पूछता है कि ये लाइट रिएक्शन है या केमिकल या डार्क केमिकल रिएक्शन है तो यू विल टेक द डार्क केमिकल रिएक्शन एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं नेक्स्ट इज रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई ऑक्जेनोमीटर नेक्स्ट इज कैक्टस प्लांट कीप इट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम ये जनरल ट्रेंड से ऑपोजिट है इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन देखिए प्लांट हार्मोन में आपको पांच हार्मोन्स याद रखना है ऑक्जिश फर्स्ट इज ऑक्जेंस इट वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है इसका कि आ, आ, क्या फंक्शन है इस हार्मोन का ऑक्सीजन तो का मेन फंक्शन इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट मेन फंक्शन आर इट प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द लीवस डिस्ट्रॉयज द स्ट्रॉज एंड सेव द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग नेक्स्ट इज गिबरेल देखिए इसको आप डिस्कवर याद नहीं भी रहे तो इट्स ओके बट फंक्शन आपको ध्यान होना चाहिए एग्जाम में फंक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं तो गेबरेलेंस का फंक्शन है इट टर्नस डार प्लांट इन टू लॉन्ग प्लाट्स हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉरमेंसी ऑफ द प्लान इट मोटिव मोटिवेट्स द सीड्स टू बी स्प्राउट एंड इंक्रीजेज द एक्टिविटी इन द कैम्बियम इन दी वुडन प्लान्ट बस इतना आप याद रखें कि इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नेक्स्ट इज साइटोकेस वेरी इंपॉर्टेंट सी इट नेचुरली वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑक्सिन्स ऑक्सिन्स हमने देखा थे इट इज इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ दी प्लांट कंट्रोल्स दी ग्रोथ ऑफ प्लांट सो साइटोकेस वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सिन्स इट हेल्प्स इन सेल डिविजन एंड डेवलपमेंट इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉमेंसी ऑफ सीड इट हेल्प्स इन मेकिंग आर एन एन प्रोटीन देखिए कुछ कुछ कैची पॉइंट है जैसे कि साइटोकेनस का जैसे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इट हेल्प्स इन मेकिंग आर एन एन प्रोटीन एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सिन्स नेक्स्ट इज तो ऐसे आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो एक दो एक दो हिंट भी आपके लिए क्वेश्चन बना ले जाता है एग्जाम में नेक्स्ट इज एप्सेसिक एसिड इट दिस इज अगेंस्ट द ग्रोथ दिस इज दिस हार्मोन इज अगेंस्ट टू द ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट कीप सीड एंड बर्ड इन डॉर्मेंट कंडीशन मेन रोल इज सेपरेशन ऑफ लीव्स इट डिलेज इन फ्लावरिंग नेक्स्ट इज एथाइलिन सी मेन फंक्शन इज राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड इनक्रीजेज नंबर ऑफ फीमेल्स फ्लावर नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स ट से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि गैस दैट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स इज इथेन और इथाइलिन नेक्स्ट इज फ्लोरिजेंस सी फ्लोरिजेंस इज कॉल्ड द फ्लावरिंग हार्मो बिकॉज इट हेल्प्स इन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट इज ट्रोमाटिन इट इज फॉर्म इट इज फॉर्मड इन इंजरी सेल्स बाई विच इंजरी ऑफ द प्लांट्स इज हील्ड ट्रोमाटिन से अगर क्वेश्चन बनता है तो इट विल बी विच विच हार्मोन हेल्प्स इन द रिकवरी ऑफ इंजरी ऑफ द प्लांट्स तो ट्रॉमेट इन आप याद रखेंगे नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉयल इज नोन एज हाइड्रोफोनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में कई बार आ चुका है ये बहुत सारे एग्जाम्स में नेक्स्ट इज प्लांट डिजीज़ देखिए प्लान डिजीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ध्यान रख लेंगे कि वायरल डिजीज़ कौन सा है तो मोजाइक डिजीज ऑफ टबैको इन इसमें क्या होता है कि लीप्स गेट स्ट्रेंग एंड बिकम्सम एंड क्लोरोफॉल क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉइड इसको हम एम टी एम बी डिजीज़ या बैक्टीरिया फेज भी बोलते हैं बंच टॉप ऑफ बनाना इसमें दिस इज कॉज बाई बनाना वायरस एंड द प्लांट बिकम्स डॉर्फ नेक्स्ट इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी इट इज़ अ वायरल डिजीज एंड अफेक्ट द ओकरा प्लांट एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई इंजेक्ट्स एंड फाइट फ्लाई सिमिलरली बैक्टीरियल डिजीज जो है व्हाइट बेल्ट ऑफ पोटैटो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन बैक्टीरियल लाइट ऑफ राइस सेट्रस कैंकर तेंदू डिजीज़ ऑफ वीट तो अब बस डिजीज़ का नाम याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज वायरल वायरल डिजीज़ इन प्लांट्स या बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट तो आप इस टाइप से याद रखेंगे या फंगल डिजीज़ इन प्लांट, और जो डिटेल में जा सकता था एग्जाम में तो मैंने उसको कवर कर दिया तो आप अगर इतना याद रख लेंगे कि फंगल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा इसमें ज़्यादा डीप में यूपीएस नहीं जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि रेस्ट ऑफ वीट इज़ अ डिजीज़ कॉज बाई फंगी पुनीसिया ऐसे ही आप दो और जो पॉइंट है डैम्पिंग ऑफ सीड्स इज कॉज बाई फंगस पाइथियम डिबार डिबारायनम देखिए नाम भी बहुत अजीब है इसके नेक्स्ट इज रेड रूट ऑफ सुगर के इज़ कॉज बाई फंगस आप देख लीजिएगा नाम बहुत ही अटपटा है नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये आप मेक श्योर sure करें कि जो मैंने टिक किया आप इसको जरूर पढ़ के जाए डिजीज़ एंड वाई वाई इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स लाइक लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियसी ऑफ जिंक तो आप इसको पढ़ लेंगे दो तीन बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए सुफिशियंट होगा एक हिंट भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करा देता है नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन बॉटनी लाइक लार्जेस्ट एंजेस फॉर्म ट्रीज एक लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इससे क्या हुआ जी जैनटियम जी जैन जी जैनटियम भी हमने पहले भी देखा था हाइट इसका वन ट्वेंटी मीटर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया तो ये आप मेक श्योर sure करें कि जो सेकेंड वाला सेकेंड वाला बॉक्स है सेकेंड वाला बॉक्स है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन बॉटनी अब इसको बाई हार्ट याद करके जाएँ फर्स्ट ऑल अबाउल बॉक्स डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट आप दो तीन बार पढ़ लेंगे अगर आपको क्लिक किया तो क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे इसमें तो आप मेक श्योर sure करें कि ये एकदम बाई हार्ट रट करके जाए जैसे कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा इज अ जोला स्मॉलेस्ट सीड इज़ ऑर्किड तो इस टाइप से पूरा ही रट के जाएंगे इसको क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं यहाँ नेक्स्ट इज इकोलॉजी देखिए इकोलॉजी हमने इन्वायरमेंट में क्लियर कवर किया था पूरा अच्छे से डिटेल एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इको या इकोलॉजिकल सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज बाई दी साइंटिस्ट नेम ट्रांसले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में कई बार आ चुका है इको सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट बायोटिक इज लिविंग एंड बायोटिक इज नॉन लिविंग बाकी हमने देख लिया था कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने पूरा ट्रॉफिक लेवल डायग्राम ए बायोटिक कॉम्पोनेंट सब चीज़ देख लिया था फूड चेन फूड वेब बैस वेर रिजर्व आप इन्वायरमेंट के लेक्चर्स को आ, आ, रेफर कर लेंगे इसको आदरकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए इट विल बी रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक दैट्स वाई एम नॉट टेकिंग ह्योर नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल देखिए नाइट्रोजन साइकिल भी हमने कवर किया था uh, जोग्राफिक के लेक्चर्स में बट कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन देखिए अमोनिफिकेशन इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रिफिकेशन इज प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाई नाइट्रोबैक्टीरिया प्लांट्स यूज नाइट्रोजन मोस्टली इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज डी नाइट्रफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिस् नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया इन फ्री नाइट्रोजन एंड इट इज डन बाई डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज स्योमोनाज नेक्स्ट इज पॉल्यूशन पॉल्यूशन का डेफिनेशन आप देख लेंगे देखिए मेन एयर पोल्यूटेंट आप देख लेंगे कि इसमें मेन एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं जैसे कार्बन मोनाक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फ एच टू एस दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया स्मोक टोबैको का स्मोक तो दीज आर आप देख लेंगे पढ़ लेंगे तो अगर नहीं भी याद रहता है तो इट्स ओके बट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड रेन से विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन तो आप याद रखेंगे एस ओ टू एसओ थ्री एंड एनओ एक्स दैट इज दाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड द रिएक्ट विद एन्वायॉयरमेंटल वाटर एंड फॉर्म सल्फ्योरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड दीज र दीज रीच टू द अर्थ विथ रेन वाटर कॉल्ड द एसिड रेन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी इट टू प्लेस ऑन थर्ड डिसम्बर 1984 में लगभग लगभग सारे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी हो आईआईटी हो नीट हो सी ए पी एफ हो एवरी एग्जाम दिस क्वेश्चन हैज बिन आस की एंड कई बार रिपीटेशन भी होता है यू कीप दिस इन माइंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज़ रेड रेडन गैस नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ऑयल स्पेल जब ये स्प्रेड uh, हो जाता है सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर तो फिर इसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए uh, कई सारे हम मेथड्स यूज करते हैं हमने इन्वायरमेंटल लेक्चर्स में ऑयल स्पिल को अच्छे से कवर किया था नेक्स्ट इज मर्करी से मेरा माता डिजीज़ हमने इन्वायरमेंटल लेक्चर में अगेन इसको कवर किया था एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि ओजोन क्लोरीन ऑक् डाइऑक्साइड एंड क्लोरामींस आर यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर्स नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोल्यूशन न्यूक्लियर पोल्यूशन से कुछ रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट हैं आप ध्यान रखेंगे कि कहां से आता है तो पोल्यूशन फ्रॉम द रेज आर इन द ट्रीटमेंट एंड विच आर क्रिएटेड फ्रॉम फ्यूज इन अटोमिक रिएक्टर फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द रिमेनिंग सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ द अटोमिक पावर नेक्स्ट इज वर्मी कॉम्पेस्टिंग इज डन बाई वॉम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज क्लोरोलोरोबंस अगेन हमने इन्वायरमेंट में देखा था इसको नेक्स्ट आपको कुछ टर्म्स याद रखना है पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी से पॉपुलेशन क्या होता है हमने इन्वयरमेंट में देखा था इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमने देखा था जोग्रफी लेक्चर में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया नेटालिटीज इज नथिंग बट दी बर्थ एक्चुअल बर्थ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन दैट इज नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी इज नंबर ऑफ डेथ नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया नेक्स्ट इज बायोटिक पोटेंशियल सी इट रेफर्स टू मैगजिमम कैपैसिटी ऑफ इनहरेंट ऑफ एन ऑर्गनिजम टू रिपोर्ड्यूस दट इज द बायोटिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज स्टॉकिंग बॉउट द मगजिमम कैपैसिटी एंड दट ऑल्सो इनहेरिंट टू एन ऑर्गेनिजम नेक्स्ट इज इनवायरमेंट रेजिसटेंस सी इनवायरमेंट फैक्टर विच पुट विच कीप द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन चेक दट इज द इनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नेक्स्ट इज म्यूचुअलिजम देखिए हमने म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म ये हमने इन्वायरमेंटल लेक्चर में कवर किया था म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है दे आर इन द रिलेशनशिप इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिट इट इज़ द फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज कमेंसलिज्म में एक 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 स्पीशीज को बेनिफिट होता है दूसरा इज रिमेन्स न्यूट्रल नीदर अफेक्टेड नॉर नॉर बेनिफिटेड और भी इसमें कई सारे होते हैं जैसे कि पैरासाइटिक फंक्शनल एसोसिएशन होता है तो उसमें एक को बेनिफिट होता है एक को नुकसान होता है ये हमने इन्वायरमेंट लेक्चर में कवर किया था वहां से आप रेफर कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखिए ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट देन इट रिजल्ट इन जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोसिस सी इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस वेयर पेशेंट्स ओ प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शन That's all for this lecture. Next will be our last lecture in the biology series, and then we'll begin with the modern lecture. So, I hope these lectures are making sense to you in your quick revision. Stay tuned. Thank you.